खुशामदीद द विलेज रसोई में खुशामदीद। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे और यूजफुल लगते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर हम स्वीट्स की बात करें तो गुलाब जामुन तो सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली स्वीट्स में से एक है, लेकिन अगर हम उसे घर में बनाते हैं तो कई बार तो बॉल ही बन जाते हैं। बॉल कहने का मतलब ये है कि उसके अंदर चाशनी ही अब्सॉर्ब नहीं होती और वो टाइट टाइट से रहता है। कभी कभी तो ये भी होता है कि हम जैसे ही गुलाब जामुन को ऑयल में छोड़ते हैं तो वो हलवा ही बन जाता है, और यही सब वजह से हमें मावे के गुलाब जामुन बनाना बहुत टफ काम लगता है। ये बात तो सही है कि मावे के गुलाब जामुन बनाना इतना भी आसान नहीं है, लेकिन आज हम लाए हैं गुलाब जामुन की परफेक्ट रेसिपी। हम गुलाब जामुन तो कई बार बनाए हैं, और जब हमें गुलाब जामुन बनाने के हर टिप्स पता चल गए और परफेक्ट बने तभी हम इसकी वीडियो लाए हैं। अगर आप हमारी इस वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए देखते हैं और कुछ टिप्स को फॉलो करते हैं जो हम वीडियो में बताएंगे, तो आपके भी गुलाब जामुन एकदम परफेक्ट बनेंगे। अब बनाना शुरू करते हैं। हम यहाँ 1 लीटर मिल्क लिए हैं, ये सुधा का है। आप कोई सा भी मिल्क यूज कर सकते हैं। अगर आप लो फैट मिल्क यूज करेंगे तो उसमें मावे की क्वांटिटी कम होगी, और अगर हाई फैट यानी कि फुल क्रीम मिल्क यूज करेंगे तो उसमें मावे की क्वांटिटी ज्यादा होगी, लेकिन गुलाब जामुन तो दोनों के ही बेस्ट बनेंगे। अब हम यहाँ एक नॉनस्टिक पैन लिए हैं। अगर आपके पास भी नॉनस्टिक पैन हो तो यही यूज करें, इससे सहूलियत होती है, मतलब साइड में चिपकता नहीं है तो चलाने में आसानी होती है। इसे हम दूध को हम उबालेंगे अच्छे से और उबाल कर कम करेंगे। इसे कोई स्पेशल अटेंशन देने की जरूरत नहीं है। अगर आप खाना बना रहे हैं तो इसे एक चूल्हे पर चढ़ा दें और इसे चला बस थोड़ी थोड़ी देर पर इसे चलाते रहें, और इसमें जो मलाई आएगा इसे हटाते जाना है और दूध में मिक्स करते जाना है। हमारा मिल्क रिड्यूस होके लगभग हाफ हो गया है, देख सकते हैं आप। वैसे तो गुलाब जामुन कई चीजों से बनता है, जैसे कि मिल्क पाउडर, और गुलाब जामुन के लिए प्रीमिक्स भी आता है, लेकिन मावे के गुलाब जामुन बनाना एक ऑथेंटिक रेसिपी है और इसका टेस्ट एकदम हट के होता है। आप जब बनाएंगे तभी आपको डिफरेंस पता चल पाएगा। मिल्क की क्वांटिटी और रिड्यूस हो गई है और थोड़ा थिक भी हो गया है। इस पॉइंट में हमें फ्लेम को लो कर देना है और इसे कंटिन्यूअसली चलाते रहना है, वरना नीचे से चिपक जाएगा। इस टाइम पे हमें इसे अलग से ध्यान देने की थोड़ी जरूरत होती है। कुछ ही मिनटों में मावा बनने वाला है, इस टाइम एकदम बहुत अच्छे से ध्यान देने की जरूरत है। अभी आप देख रहे होंगे जब हम चला रहे हैं तो साइड से मिल्क निकल रहा है, और जब मावा बन जाएगा तो साइड से मिल्क निकलना बंद हो जाएगा। इसी टाइम पे ध्यान देना है, मावा ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और थोड़ा सा भी कम भी नहीं होना चाहिए, एकदम परफेक्ट मावा होना चाहिए, तभी गुलाब जामुन परफेक्ट बनेंगे। हमारा मावा बन चुका है, साइड से देख सकते हैं मिल्क भी नहीं निकल रहा है। इसी पॉइंट पे हमें फ्लेम को बंद कर देना है और थोड़ी देर तक कढ़ाई में ठंडा होने देना है। इसके बाद हम इसे बाउल में निकाल लेंगे। मावा ठंडा हो गया है और थोड़ा सा थिक भी हो गया है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल कर बाउल को फ्रिज में रख देंगे। हम मावे को फ्रिज में 15 से 20 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद मिलते हैं। अब हम चाशनी बना लेते हैं। इसी बाउल से हम सारा मेजरमेंट किए थे, तो एक बाउल मावा था, इसी बाउल से हम एक बाउल शुगर लेंगे और इसी बाउल से 2 बाउल पानी लेंगे। अगर आपको मीठा ज्यादा पसंद हो तो आप 1.5 बाउल शुगर ले सकते हैं और 3 बाउल पानी। और इसमें एक इलायची डालेंगे, इससे अच्छा फ्लेवर आएगा। अगर आपके पास इलायची पाउडर हो तो वो भी डाल सकते हैं। अब हमें शुगर के डिसॉल्व होने तक बस पकाना है, उससे ज्यादा नहीं पकाना है। चाशनी को एक ताड़ या 2 ताड़ का नहीं बनाना है, वरना गुलाब जामुन फिर पीती नहीं है चाशनी को। शुगर अच्छे से डिसॉल्व हो गया है, अब हम इसे थोड़ा सा छू कर देखते हैं। अगर हमें चिपचिपी लगेगी तो फिर चाशनी बनकर तैयार है। हाँ, ये हाथ को चिपचिपी लग रही है, तो अब चाशनी बनकर तैयार है, इसका फ्लेम बंद कर देंगे। हम मावे को फ्रिज से निकाल लिए हैं और अभी ये ठंडा है। इस बाउल से हम मावे को मेजर किए थे तो पूरा भर के 1 बाउल आ रहा था,
टिप नंबर वन ये है कि हमें मैदे की क्वांटिटी को मेजर करके लेना है। जितना मावा होगा उसका 1/4 यानी कि चौथा हिस्सा हमें मैदा लेना है। आप मैदे की जगह गेहूं का आटा या फिर सूजी भी ले सकते हैं। तो हम धीरे धीरे करके मैदा मिलाते जाएंगे और मावे को अच्छे से गूंथते जाएंगे। मावे को एकदम अच्छे से स्मूथ होने तक गूंदना है। अगर आप मैदे की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा या थोड़ी कम कर देंगे तो उससे प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए मेजर करके लेना है एकदम अच्छे से। इस तरह से मिलाते जाएंगे और एक अच्छा सा डो बनाएंगे। हम मावे और मैदे को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिए हैं और बहुत अच्छे से गूंद लिए हैं। देख सकते हैं पूरा स्मूथ लग रहा है। इसे हम लगभग 10 मिनट तक मिक्स किए हैं तब अच्छे से तैयार हुआ है। अब हम इसकी एक बॉल बनाकर देखते हैं, अगर क्रैक फ्री बॉल बन जाएगी तो फिर मावा बनकर तैयार है। इस तरह से बनाएंगे, देखिए क्रैक फ्री बॉल बन रही है। तो अब हम इसकी बॉल बना लेंगे, छोटे साइज की बनाएंगे क्योंकि ये बहुत फूलता है। हम सारे बॉल्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। हमारा लो क्रीम मिल्क था इसलिए हमारा 16 बना है। अगर आपका फुल क्रीम मिल्क होगा तो आपका लगभग 20 से 22 बन जाएगा। अब हम यहाँ ऑयल रख दिए हैं गर्म होने के लिए। गुलाब जामुन को फ्राई करने के लिए इस तरह की कढ़ाई लें, ज्यादा फैली हुई कढ़ाई ना लें। अगर ज्यादा फैली हुई कढ़ाई लेंगे तो उसमें फिर ऑयल ज्यादा लेना पड़ेगा। अब टिप नंबर दो ये है कि गुलाब जामुन को फ्राई करने के लिए ऑयल थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। जैसे ही हम इसमें गुलाब जामुन डालेंगे तो हल्के हल्के बबल्स आने चाहिए। अब जब भी गुलाब जामुन बनाए तो सबसे पहले एक गुलाब जामुन को फ्राई करके देख लें, अगर अच्छे से फ्राई हो रहे हैं तभी फ्राई करें। हम गुलाब जामुन की लोई तो छोटी बनाए थे लेकिन देख सकते हैं ये फूल कर ऊपर आ गया है। ना ही हम इसमें सोडा यूज किए ना ही बेकिंग पाउडर यूज किए, फिर भी ये फूल रहा है। अब इसे कलर आने तक फ्राई करेंगे, आपको जो भी कलर पसंद हो उसमें फ्राई कर लें उस कलर में। ये गुलाब जामुन तो फ्राई हो गया है, अब हम इसे निकालेंगे और हल्का गर्म चाशनी में डाल देंगे। ये भी एक टिप है कि जब हम गुलाब जामुन को डालें चाशनी में तो चाशनी हल्का गर्म होना चाहिए, ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अब हम इसमें और गुलाब जामुन फ्राई कर लेते हैं। फ्लेम को मीडियम कर देंगे, फ्लेम को भी लो कर देंगे क्योंकि ऑयल ज्यादा गर्म हो गया। अभी लो करेंगे तो ऑयल थोड़ा सा कम गर्म होगा। अब हम इसमें और गुलाब जामुन डालेंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। जब गुलाब जामुन को कढ़ाई में डालें तो फ्लेम लो होना चाहिए। उसके कुछ देर बाद फिर फ्लेम को मीडियम कर सकते हैं। जैसे इसे डालेंगे इसे थोड़ा सा हिलाना है, ज्यादा नहीं चलाना है वरना टूट जाएंगे और फिर ये खुद ब खुद फूल कर ऊपर आ जाएंगे। इन चार गुलाब जामुन में कलर आ गया है, अब हम इसे निकाल कर चाशनी में डाल देंगे। और ये वाले भी फ्राई नहीं हुए, इसे फ्राई करते हैं और कुछ देर तक। इसी तरह से इसे चला चला कर हर तरफ से कलर लाने तक फ्राई कर लें। हम इसी तरह से दूसरे बैच के गुलाब जामुन को भी फ्राई कर लिए हैं और अब इसे भी चाशनी में डाल देंगे और सारे गुलाब जामुन को लगभग 1 घंटे तक चाशनी में छोड़ देंगे। ढक कर छोड़ देंगे। हमारे गुलाब जामुन तो बनकर रेडी हैं, अब बस पेट में जाने की देरी है। जिन्हें भी गुलाब जामुन पसंद हो वो आ जाएं। ये गुलाब जामुन बहुत ही डिलीशियस बने हैं, एक पीस खाकर तो किसी का मन नहीं भर सकता। आपको हमारी गुलाब जामुन की वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें ताकि हर कोई अपने घर में गुलाब जामुन बना सके। आप इसे एक बार अपने घर में जरूर ट्राई करें, सब इस मिठाई के दीवाने हो जाएंगे और आपकी भी बहुत तारीफ करेंगे। हम आपको एक पीस कट करके दिखाते हैं अंदर से ये कैसा बना है। वाह, देख सकते हैं अंदर से भी कितना जूसी है। तो ट्राई कर रहे हैं ना आप इसे?
आप इसे अपने घर में जरूर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।